नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में है या आपके कोई जान पहचान में ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा आज का वीडियो बेहद ही खास है। बिहार के सभी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दिया जाता है। इसका प्रावधान 7वें वेतन आयोग में खास तौर से किया गया है। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस के तहत सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पढ़ाई लिखाई का खर्च दिया जाता है, जिसमें हॉस्टल और स्कूल फीस शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार अब तक चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार कई तरह से खर्च देती है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसे सामान्य बच्चे से दोगुना पैसा दिया जाता है। पहले इस अलाउंस के तहत मौजूदा समय की तुलना में कम पैसे दिए जाते थे। पढ़ाई में खर्च के लिए प्रति बच्चों को 1500 रुपए की राशि मिलती थी, जिसके बाद जैसे जैसे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती रही, वैसे ही अलाउंस में भी वृद्धि की जाती रही। इसके साथ ही बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर हर महीने 4500 रुपए दिए जाते थे। गौर करने की बात यह है कि कर्मचारी पिता के डीए में बढ़ोतरी के साथ बच्चे की हॉस्टल सब्सिडी में भी वृद्धि होती रही है। इस हिसाब से सरकार कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी हुई तो एडुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की रकम बढ़ गई। हालांकि बाद में सरकारी कर्मचारियों ने मांग उठाई कि दिनों दिन पढ़ाई के खर्चे में बढ़ोतरी होती ही जा रही है, ऐसे में अलाउंस में वृद्धि की जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने यह भी मांग उठाई कि रीइंबर्समेंट लेने के तरीके को आसान किया जाए, जिसके बाद ही पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सीईए ने अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में बदलाव किया है। रीइंबर्समेंट को लेकर कर्मचारियों की बहुत शिकायत रहती है, कई कई साल का पैसा जारी नहीं होता या कर्मचारी क्लेम ही नहीं कर पाते। ऐसी सलाह दी जाती है कि रीइंबर्समेंट भी वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किया जाए, जब एकेडमिक ईयर की भी समाप्ति होती है। दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। एडुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का पैसा लेने के लिए शैक्षणिक संस्थान के हेड से सर्टिफिकेट लेकर जमा करना होता है। इसी आधार पर फीस और हॉस्टल का खर्च क्लेम किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में सीईए स्कीम के तहत कर्मचारियों को बड़ा लाभ दिया जा रहा है। अभी एक परिवार में दो बच्चों को अलाउंस का लाभ दिया जा रहा है, जिसके बाद ही अब एडुकेशन अलाउंस के तौर पर हर बच्चे को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे। डीए बढ़ने पर इसमें भी बढ़ोतरी होगी। हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर हर बच्चे को हर महीने 6750 रुपए दिए जाएंगे। कर्मचारी का डीए बढ़ता है तो सब्सिडी में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल कक्षा 12वीं तक के छात्रों को सीईए की सुविधा देने का काम किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि अलाउंस और सब्सिडी को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक बढ़ाया जाए। हालांकि जानकारों का मानना है कि मांगों को पूरी करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि ग्रेजुएट स्तर और उसके बाद पढ़ाई लिखाई का ढर्रा पूरी तरह से बदल जाता है। ज्ञात हो, यह पूरी सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है। गौर करने की बात यह है कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने जुलाई 2017 से अलाउंस नहीं लिया है, वो इसे क्लेम कर सकते हैं। सीईए के तहत 2250 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 6750 रुपए का फायदा लिया जा सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।